ध्यान दे सको, तो ये मुझे समझना था और ये शब्दों में समझ में नहीं आ सकता ये जब तक आप फील नहीं करो। जी वही बात है कि जब सपने लोग फॉलो करते हैं तो ज्यादा डर नहीं लगता और ज्यादा लालसा भी नहीं होती। तो जब आप इस क्या कहते हैं बेल कर्व में होते हैं जब बहुत ज्यादा डिजायर भी नहीं है और बहुत ज्यादा डर भी नहीं लगता तो फिर कमाल का जो है कर जाता है जी जाता है। जिसको बहुत चाह नहीं है और जिसको ज्यादा डर भी नहीं लगता उसका तो कुछ शनि भी नहीं बिगाड़ सकता। देखा मैंने बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो जहां तक एक्यूरेसी की बात है छोड़े लेकिन ये बात ही बहुत तसल्ली के लिए काफी है कि सपने देखने का कि आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं ना किसी को प्रूव कर रहे हैं ना अपने आप को कुछ प्रूव कर रहे हैं बट बिकॉज आपको चलना है यू नो दिस इज योर कॉलिंग दिस इज योर पाथ एंड योर वॉकिंग। और इस बात को मैं पूरा करना चाहूंगा कि हाँ डर लगता है और हाँ बहुत सारी बातें ऐसी करनी है जो करनी चाहिए किसी को भी जो प्रूफ आराम से हो सकती है ये भी पता है और ये भी पता है कि किन चीजों से डर हमेशा लगना चाहिए। इनके बावजूद अगर आपको ज्यादा डर ना लगे और आपकी ज्यादा लालसा ना हो तो वहां से जो करेज मिलता है उससे तो लालसा को कैन यू डिफाइन मोर लाइक स्पेशली इन योर करियर एज एन एक्टर वेयर ऑलवेज जो टॉप नंबर 1, 2, 3 पे बने रहने की एक यू नो होड़ लगी रहती है सब में वेयर यू आर नोवेयर बट स्टिल यू आर एवरीवेयर। मतलब आपने ऐसी ऐसी फिल्में की फ्रॉम कायपोचे टू केदारनाथ मतलब द ग्राफ हैज बीन लाइक कमाल का वेरिएशन है। आई थिंक यू हैव बीन वेरी वेरी लकी सुशांत कि आपको बहुत कमाल के रोल्स करने को मिले चाहे वो पीके का एक जो कैरेक्टर था एंड यू ऑलवेज बीन वेरी लकी टू ऑल्सो वर्क विद ऑल द टॉप एक्ट्रेसेस यू नो सो व्हाट डू यू से अबाउट इट। जी बिल्कुल फॉर्चुनेट भी हूँ। ये बात मैं पहले यूज करता था लेकिन बाद में मैं समझने लगा कि मैं क्या करता हूँ जिससे कि मैं थोड़ा एफर्टलेस हूँ इतना तो मैं हक से कह सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग झूठ ही नहीं होता। एक्टिंग में कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक्टर सच बोल रहा होता है और वो एक्टिंग होती है। ये बात हम ऐसे भी समझ सकते हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से कि हम जब जिस तरीके से थे उसमें शब्दों की ज्यादा जरूरत नहीं होती एक दूसरे को समझने के लिए। अगर मैं आपको ऐसे करके देखूं तो आपको पता है कि डर रहा हूं मैं या मैं बोलूं ऐसे करके तो आपको पता है मैं इशारा कर रहा हूं तो शब्द की तो जरूरत थी नहीं फिर भी शब्दों की जरूरत पड़ी और फिर शब्द हम बोलने लगे। तो शब्दों का सहारा मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने के लिए था। जैसे मेरे लाइफ में कुछ नॉन नेगोशिएबल चीज नहीं थी कि अगर ये हो जाएगा तो अपनी जान भी दे सकते। आजकल लोग ऐसी बातें नहीं करते तो लोग बोलते हैं यार क्या बात भी कर रहा है यहाँ तो ठीक है पैशन है लेकिन इसके आगे क्या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए जान दे सको ऐसी बातें लोग करने लगे। बात है कि जब पहले लोग कहते थे कि इन चीजों के लिए जान दे सकते हैं वो 90% ऑफ टाइम जान देते नहीं थे लेकिन तैयार थे। तैयारी जो थी वही काफी थी बहुत सारी चीजें अपने आप में देखने के लिए। तो नॉन नेगोशिएबल चीजें लाइफ में बहुत होनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। तो जब मैं जब ऐसे